हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द पी स्क्वायर। आज हम करेंगे ब्लू एश कलर। बहुत ही इजी है, स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। एज यूजुअल सबसे पहले हम शैम्पू करेंगे हेयर को। अच्छी तरह से शैम्पू करना है विदाउट कंडीशनर, कंडीशनर नहीं लगाना है। उसके बाद हम प्रीलाइट करेंगे। प्रीलाइट के लिए आप कोई सा प्रीलाइटनर ले सकते हैं। मैंने शोचकोफ का वेरियो ब्लोंड लिया है, जो कि मैं 30 वॉल्यूम से करूँगा, ठीक है, क्योंकि मुझे कलर कटिंग करनी है। मैं ज़्यादा मतलब लिफ्ट नहीं करूँगा, दो बार मैं करूँगा, वो भी 30 वॉल्यूम से, क्योंकि उसके बाद मैं कलर कटिंग कर लूँगा। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल वेल मिक्स। एक अच्छा पेस्ट बनना चाहिए। अच्छा पेस्ट बना के आप इसको तरीके से लगाएंगे फिर बाद में। पहले एक अच्छा सा पेस्ट बना रहे, बिल्कुल इवन पेस्ट, ध्यान रहे। अब क्या करना है, अब इसको स्टेप बाय स्टेप इन हेयर पे इक्वली लगाना है, अच्छी तरीके से लगाना है। ध्यान रखना कोई हेयर रह ना जाए, जो रह जाएगा उस पर कलर नहीं आएगा, ठीक है। तो अच्छी तरह लगाना उठा उठा के, क्योंकि आपके हाथ में तो क्लाइंट के हेयर होते हैं लंबे लंबे, तो आप अच्छी तरह फिंगर्स का यूज़ करके, थम्स का यूज़ करके लगा सकते हो। पूरे इस पर लगाने के बाद हम इसको तरीके से इसको फिर पैक करेंगे, ठीक है। और उसके बाद एज यूजुअल हम 45 मिनट्स में मैक्स मैक्स वेट करेंगे, ठीक है। अच्छी तरह से लगाने के बाद अब हम इसको रख देंगे 45 मिनट्स के लिए, और इसको हम पैक करेंगे। अगर आपको कैसे पैक करना है, आप अपने क्लाइंट के ऊपर, हेड के ऊपर क्लीन रैप चढ़ा देंगे, एक पन्नी होती है ना पन्नी, उसको ऐसे ऐसे करके पैक कर देंगे। उसको क्या होगा, हीट से जल्दी डेवलप होता है कलर, ओके। वो ब्लॉन्ड हो या कुछ भी हो, जब आप ये लाइटनर लगा रहे तो इसमें तो हीट चाहिए चाहिए। अब इसको हम अच्छे से पैक कर देंगे, इसको 45 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। अच्छी तरह पैक कर देना है। एंड अब 45 मिनट्स के बाद अब इसको हम खोलते हैं, देखते हैं क्या आता है। आप देखिए, आपको कलर दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है, कैमरे में नहीं दिख रहा, तो मैं इसको धो के ले आता हूँ। वैसे तो आप इसी पे दोबारा लगा देंगे, लेकिन आपको दिखाने के लिए मुझे ये दिखाना पड़ेगा कि कितना लिफ्ट हुआ। एक बारी में 30 वॉल्यूम से मैंने किया है, तो इसमें दिख नहीं, बोला कि मुझे तो दिखाई दे रहा था बट कैमरे में नहीं दिख रहा होता है। मुझे पता होता है, इतनी वीडियो बनाने के बाद पता चल गया कि कैमरे में कुछ और ही दिख रहा होता है, इसलिए मैं इसको वॉश करके ले आया। वॉश करने के बाद आपको दिख रहा होगा, अभी हमें डिजायर शेड नहीं मिला, ये अभी 7-8 के पास गया है, मीडियम ब्लोंड और लाइट ब्लोंड के आसपास कह सकते हो, 7 नंबर 8 नंबर, तो हमें चाहिए 10 के आसपास। तो 10 के आसपास हम अब क्या करेंगे, इसको दोबारा प्री लाइट करेंगे। वही सेम स्टेप, 1:2 की रेशियो में हम ब्लोंड लेंगे अपना, प्री लाइटनर जिसे कहते हैं, और 30 वॉल्यूम से मैं दोबारा अप्लाई करूँगा, क्योंकि आपको दिख गया है कि मतलब बात नहीं बनी अभी, ठीक है। अब क्या करेंगे, इवन पेस्ट लगाएंगे, दोबारा से बना के मैंने बना लिया है, ये मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ। देखिए, अच्छी तरह पेस्टिंग करनी है तरीके से, पूरे एक एक हेयर पर जानी चाहिए उठा उठा के, कंजूसी नहीं करनी है लगाने में। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह पैक कर देंगे ताकि हीट बने, जैसे मैंने पहले कहा था। और आप कैसे पैक करेंगे, क्लाइंट के सर पे क्लीन रैप लगाएंगे, जो मैंने पहले बताया था अभी कि वो एक पन्नी जो होती है, अदरवाइज पन्नी नहीं है तो आप फॉइल से भी उसको कवर कर सकते हो हेड को। लड़के के लगा रहे हो, मेल क्लाइंट है और या फिर फीमेल क्लाइंट है, वट एवर, वैसे दोनों पे आप क्लीन रैप भी लगा सकते हो और फॉइल भी, अप टोटली अप टू यू, ओके। अब इसको हम पैक कर देंगे, वही आप 45 मिनट्स के बाद देखेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा लिफ्ट हो जाए हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता, हम 50 मिनट भी कर देंगे। अब देख रहे, ये बिल्कुल फूल गया है, हीट होके बाहर तक आ गया, दिख रहा है। अब हम इसको चेक करेंगे, देखते हैं कैसा आता है। काफ़ी अच्छा कलर आया, देखिए ऑलमोस्ट 9-10 तक पहुँच गया है। मैं अगेन इसको धो के ले आता हूँ। अब मुझे करना तो पर्पल शैम्पू था, बट आपको रिजल्ट दिखाने के लिए कि कैसा रिजल्ट आया, इसलिए मुझे वॉश करके लाना पड़ा, नहीं तो मैं वहीं पे इसको पर्पल शैम्पू कर लेता। अब हम इसको पर्पल शैम्पू में कर लेंगे। मैंने पर्पल शैम्पू इसलिए दिखाया, मैं किसी भी ब्रांड का मतलब एडवर्टाइज नहीं करना चाह रहा था, तो आप पर्पल शैम्पू किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, सारे बढ़िया होते हैं, ठीक है। इसको अच्छी तरह पर्पल शैम्पू के अंदर मर्ज कर लेंगे और इसको छोड़ देंगे 2-3-5 मिनट के लिए। आप छोड़ सकते हो 2-3-5 मिनट के लिए, छोड़ के अंदर से येलो को ये थोड़ा काटता है, पर्पल शैम्पू भी येलो टिंच को काटता है, ओके। अब जैसे ये हो जा रहा है, अब इसको छोड़ देंगे। अब बाद में इसको वॉश करके लाएंगे सीधा 2 मिनट के बाद। अब मैं इसको वॉश कर लाया, देखिए येलो को और ज़्यादा इसने काट दिया है, ये ऑलमोस्ट अब 10 हमें मिल गया है, 10 के अराउंड, वेरी वेरी लाइट ब्लोंड, ओके। इसका पानी वानी निकाल लेंगे। कलर डिपॉजिट से पहले आप टॉवल ड्राई कर लीजिएगा हेयर को, जितना ज़्यादा आप इसको ड्राई कर लेंगे उतना बेटर है, लेकिन ड्रायर से ड्राई मत कीजिएगा, नहीं तो ज़्यादा लिफ्ट हो जाएगा हेयर। मैंने हल्का सा ड्राई कर लिया इसको टॉवल से, ठीक है। अब इसमें देखिए, यहाँ से थोड़ा डार्कनेस है कहीं कहीं ना, मतलब येल्लो की जगह मुझे डार्क येल्लो दिख रहा है, जो कि
कॉपर वाला ऑरेंज वाला शेड हो जाता है, हल्का सा डार्क येलो। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर तीन टाइप की ट्यूब ली, एक तो हमारे 10 नंबर का डिजायर शेड, उसके अंदर मैंने एक इसको येलो कटर लिया है और एक हल्का सा कॉपर कटर भी लिया है सेफ साइड के लिए। तीन टाइप की ट्यूब टू डिपॉजिटिंग टाइम में आप 1:1 की रेशियो ले सकते हैं, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। 20 वॉल्यूम से ही डिपॉजिट होगा, कलर हमेशा ध्यान रखना, पहले ही बताया। अब इसको हम अच्छा सा पेस्ट बनाने के बाद इस पर लगाएंगे। अगर अब यहाँ पे डिसीजन पॉइंट ये है कि अगर आपको ऐश कलर चाहिए तो आप इस कलर ट्यूब को, कलर को 2 मिनट तक मैक्स टू मैक्स रखेंगे, क्योंकि अब आप देखना इस जो ये मैं कलर डिपॉजिट कर रहा हूँ उसके अंदर, इस वीडियो के अंदर एक भी कट नहीं है। फास्ट फॉरवर्ड तो है ये वीडियो, लेकिन कट नहीं मिलेगा आपको, इंस्टेंट कलर आता हुआ दिखेगा। एक कट भी नहीं लगाऊंगा इसके अंदर, नॉर्मल वीडियो चलेगी, बस फास्ट फॉरवर्ड है। ठीक है, अब देखना इसके अंदर 2 मिनट के अंदर तो ऐश कलर आता है, 2 मिनट से पहले 2 मिनट से ज़्यादा अगर इस कलर को लगाए रखूंगा तो वो डार्क ऐश, ग्रे ऐश, जो डार्क ग्रे ऐश हो जाता है वो हो जाएगा, और उससे ऊपर मैं 3-5 मिनट तक रखूंगा तो वो ब्लू ऐश हो जाता है। ठीक है, अब ये डिसीजन आपका है कि आपको करना क्या है, क्योंकि पहले कलर कटता है फिर उस पर कलर चढ़ने लगता है। ठीक है, ऐसा कुछ होता है। अब मैं इसके अंदर देखना आपकी 1-2 मिनट में मैंने रखा इसको, अभी इसके अंदर 1 मिनट हुआ होगा मुश्किल से, और ये अभी इसके अंदर कलर आना स्टार्ट हो गया, मुझे दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया 1-2 मिनट में ऐश कलर आ जाता है जब आप कलर कटिंग करते हो, और 2 मिनट से ऊपर रखोगे तो उसके अंदर वो ऐश कलर थोड़ा डार्क हो जाता है, जो राख जैसा कलर हो जाता है। ऐश को भी राख ही कहते हैं, लेकिन वो डार्क ऐश हो जाता है, यूँ कह सकते हो आप। देखो आ गया ना कलर, मैंने कहा था ये ऐश कलर ऐश नहीं, मैं इसको ऐसे ऐसे करता रहूँगा तो डार्क ऐश होएगा थोड़ी देर में, मिनटों के हिसाब से, सेकेंडों के हिसाब से कलर चेंज होएगा इस टाइम कलर कटिंग में। अब ये डार्क ऐश हो चुका है, मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा इसको पहले मर्ज करके। देखिए अब मैं इसको साफ करके आपको दिखाऊंगा कि इसके अंदर लिटरली कलर आ गया है, डार्क ऐश हो गया। अब इसके अंदर अभी धीरे धीरे ब्लू ऐश में चेंज हो जाएगा, ब्लू कलर के ऐश कलर में चेंज हो जाएगा। जो ब्लू कलर आप वैसे करते हो तो वो तो आप प्री लाइटनर करके उसमें रस्क की ट्यूब लगाते हो ब्लू वाली, तो वो वॉश आउट हो जाता है क्योंकि इसमें आप डेवलपर नहीं मिलाते। देखो आ गया ना कलर के अंदर, ब्लू के अंदर जा रहा है आपसे धीरे धीरे। मैंने बोला था जितना देर आप इसके अंदर करोगे उतना ही कलर ब्लू की तरफ जाता चला जाएगा। अब मैंने आपको बोल दिया आप वैसे तो ब्लू कलर आप प्री लाइटनर करके 1-2 बार उसके बाद आप रस्क की ट्यूब लगा देते हो, लेकिन वो वाला ब्लू कलर आपका वॉश आउट हो जाता है। अब ये जो ऐश के अंदर ब्लू कलर आएगा, ब्लू ऐश या ऐश ब्लू कलर जो होगा ये वॉश आउट नहीं होगा आपका, क्योंकि हमने इसमें कलर डाला नहीं, कलर कटिंग करी है। देखो आगे ना कलर एक भी कट नहीं मारा मैंने ऑन द स्पॉट, आपके सामने येलो हेयर थे एक ही बार में, ना मैंने कोई ब्लू कलर की ट्यूब डाली इसके अंदर। ब्लू कलर की ट्यूब कभी भी देख लेना ब्लू कलर की ही होगी, मैंने जितनी भी ट्यूब मिलाई थी उस टाइम दिखाई थी आपको बाउल के अंदर सारी वाइट कलर की थी। ठीक है, अब ये मैं धो के ले आता हूँ, आपको ऐसा नहीं दिखेगा। ये देखिए आ तो गया है, मैं हाथ भी धो लेता हूँ, डेवलपर था इसमें। अब ये डार्क ऐश ब्लू ऐश आ गया, ठीक है, देखिए कलर। अब ये वॉश आउट भी नहीं होगा, इसका प्लस पॉइंट ये क्योंकि हमने इसमें ब्लू कलर नहीं डाला है, हमने इसमें कलर कटिंग करी है जब ये कलर अचीव किया है। ये स्पेशली ये वीडियो मिस्टर साजिद के लिए है जिन्होंने हमें इंस्टाग्राम पे, एक्चुअली दिस इज़ अ पेड वीडियो, उनको स्पेशली इसका ट्यूटोरियल चाहिए था, उनको तो मैंने स्पेशली सेंड भी किया है लाइव पे लेके, और ये आप सबके लिए। ठीक है, अब आपको दिख रहा है, अब बीच में देखेंगे इसके तो वहाँ पे तो कलर आया नहीं था, लेकिन एक कलर आ गया परमानेंट वाला, इसको कहते हैं ब्लू एश कलर। सिंपल है, 2 बार प्रीलाइट नहीं किया। और आप लोग क्या करते हो, प्रीलाइट करते हो, इसमें बाल आपका हेयर जो है ख़त्म हो जाता है, ऐसा नहीं करना है। बस 2 बार करो, जहाँ पे भी 8 पे भी पहुँच गया, 9 पे भी पहुँच गया, उसी टाइम वो कलर कटिंग कर दो। ओके,